तरीके इंसाफ में तब्दीली आ गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गोहर अली बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर यासमिन राशिद का बतौर पीटीआई पंजाब सदर इंतखाब। अली अमीन गंडापुर केपी। कलीम आदिल शेख सिंध मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान में तरीके इंसाफ के सदर बन गए। ओहदा खान साहब की अमानत है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। तहरीक इंसाफ का किसी से झगड़ा है ना किसी से करेंगे। फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई की देखी गई, बाकी जमातों की नहीं। बैरिस्टर गोहर अली की गुफ्तगू। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। इंट्रा इलेक्शन में पीटीआई के आईन की खिलाफ वर्जी हुई। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करता है। साबित किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कोई अहमियत नहीं, ये जमहूरियत के नाम पर एक नाटक हुआ है। पीटीआई को हाईजैक कर लिया गया। पार्टी से कौन वफादार है, सिर्फ कारकुन फैसला करेंगे। ये कैसे इलेक्शन जिसमें पार्टी के बाकी कारकुन हिस्सा नहीं ले सके। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की और अंडरग्राउंड लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अब बल्ले के लिए मजीद खतरात बढ़ेंगे। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां साहिब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। वो समझते हैं कि बादशाह की तरह आए दरबार में हाजिरी लगाएं, इस तरह हवा बनती है। उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। आवाम ही हवा बनाते हैं, आवाम ही फैसला करते हैं। सबको आवाम का फैसला मानना पड़ेगा। मियां साहिब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। मियां साहिब का जलसा जिस तरह कराया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। 2018 में एक शख्स को कहा गया कि वो फरिश्ता और बाकी सब करप्ट हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आने वाली है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को आम इंतखाबात में सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है। बिलावल भुट्टो की क्वेटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आइन की 18वीं तरमीम अधूरी है, इसे पूरा करेंगे। सूबों को मिलने वाले इख्तियारात अब मजीद नीचे लेकर जाएंगे। हम एक मजबूत बलदियाती निज़ाम लाएंगे। हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। नूली के रहनुमा हसन इकबाल की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की नज़र पंजाब में नूली के मुखालिफ वोट पर है। हम पर तनकीद से ही उन वोटर्स को रागिब कर सकते हैं। अगर बिलाल भुट्टो समझते हैं कि तनकीद से वोट मिलते हैं तो पूरा जोर लगा लें। राणा सनाउल्ला का चैलेंज। नूली के रहनुमाओं की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग। सरगोधा डिवीजन के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए गए। जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कायदीन की गुफ्तगू। दानिया अजीज को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर शोकाज नोटिस जारी। 7 दिन में जवाब तलब। कल्चर डे के हवाले से हैदराबाद में रंगारंग तकरीब। तालबात का सिंधी गानों पर रवायती रक्स। मुकामी कलाकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।